नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं दिव्या शेखावत आपके साथ। आबकारी विभाग ने रात्रि 8 बजे बाद दुगने दाम में शराब बेचने वाले मंगल सिंह को किया गिरफ्तार। कालवाड़ रोड पर रात्रि 8 बजे बाद ठेकों पर लगा रहता है जमावड़ा। बजरंग द्वार पर स्थित शराब ठेके से दुगने दामों में शराब बेचने वाले मंगल सिंह को आबकारी CIE नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गिरफ्तार। राजधानी जयपुर में इन दिनों रात्रि 8 बजे बाद शराब माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार के नियमानुसार रात्रि 8 बजे बाद शराब बेचना दंडनीय अपराध है। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने एक बयान में भी ये कहा था कि रात्रि 8 बजे बाद किसी भी ठेके पर शराब की बिक्री पाई गई तो उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी शराब माफिया लगातार बेझिझक नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि कालवाड़ रोड पर रात्रि 8 बजे बाद शराब मिलना आम हो गया है। जब इसकी सूचना आबकारी CIE नारायण सिंह को मिली तो आबकारी CIE नारायण सिंह ने कालवाड़ रोड पर स्थित बजरंग द्वार के ठेके पर कार्रवाई करते हुए एक मंगल सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया। मीडिया को जानकारी देते हुए आबकारी CIE नारायण सिंह ने बताया कि कालवाड़ रोड पर स्थित बजरंग द्वार के शराब ठेके पर रात्रि 8 बजे बाद शराब मिलने की सूचना मिली। हम मौके पर पहुंचे तो वहां दीवार में छेद करके मंगल सिंह नाम का व्यक्ति 180 का क्वार्टर 300 रुपए में ठेके के बाहर शराब बेच रहा था। मंगल सिंह फोन करके ठेके के अंदर से शराब मंगवा कर बाहर दुगने दामों में बेच रहा था। जिस क्वार्टर की रेट 180 है, वह उस क्वार्टर को बाहर 300 में बेच रहा था, जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।